आ जाती है एंड डोज जाती जाती है उसके इतने अच्छे मीन्स फीचर्स होते हैं। कुछ गेम्स तो पूरी अपने अंदर एक दुनिया बना रखी है, पर पेड़ पत्ते सब कुछ होते हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा आइसी होता है, कुछ बहुत हॉट होता है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। सो चले जानते हैं कुछ ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स जो आपके माइंड ब्लोन कर देंगे। इसका नाम है द ब्लू क्रोटो केव, इसलिए क्योंकि दिस इज अ सी केव, मींस सी के पास ये प्रेजेंट है एंड इधर आपको बाय बोट या फिर कयाक के थ्रू जाना पड़ेगा। सो बेसिकली जब आप जाओगे आपको अंदर जितना जाते रहोगे आपको एक ब्लूइश ग्लो दिखने लगेगा, मींस ये जो वाटर है आपको अंदर ही अंदर एक बायोलुमिनेसेंट टाइप का लगने लगेगा, लाइक ग्लो कर रहा है ये वाला। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केव्स जो देखा गया है, बिकॉज जितना आप अंदर जा रहे हो उतना ही वो ब्लूइश ग्लो दे रहा है, आपको एक लाइटिंग वाला फीलिंग आ जाता है उधर। सो चलिए चलते हैं द नेक्स्ट केव, अमेजिंग केव्स। क्रिस्टल इन मेक्सिको। सो बेसिकली आपको ये जो पिक्चर देख के पता चल रहा होगा ये क्रिस्टल है जिसका सैलेनाइट क्रिस्टल। सो ये सैलेनाइट क्रिस्टल्स है, ये एक माइनिंग के तरफ से खोजा गया था। एक एक्चुअली कंपनी, एक माइनिंग कंपनी थी जो माइन कर रही थी एंड गलती से ये केव एक्सप्लोर हो गया, मींस डिस्कवर हो गया। एंड जब ये डिस्कवर हुआ तो यहाँ पर ऑफकोर्स एक्सप्लोरर्स आए एंड देखे यहाँ पर 1-12 meters तक सैलेनाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ये और भी बढ़ते बट क्या हुआ ना, धीरे धीरे उस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लगा जिसकी वजह से वो अब बढ़ना बंद कर गए हैं। उस जगह पे आप 30-40 minutes के ज्यादा नहीं रह सकते हो क्योंकि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर बिलोंग करता है। इट इज समथिंग 30-40 degrees ओनली टू इट्स एंट्रेंस एंड अंदर जाते ही 50 degrees हो जाता है। सो आप नहीं रह सकते उधर ज्यादा समय तक। ये क्रुबेरा केव है। अब आपको लग रहा होगा इस पिक्चर को देख के कि ये क्या है, ये केव कैसे हुआ। ये केव नहीं है, ये एक एंट्रेंस है उस केव का। सो जब इस केव को आप एंटर करोगे ये कोई सीधा सीधा केव नहीं है, आप कुएं तो देखते ही होंगे, वेल अंदर जाता है वैसे ही ये बहुत ही डीप है, आपको इसे रोप के थ्रू जाना पड़ेगा। सो जितना आप नीचे जाओगे आपको ऐसा फीलिंग लगेगा जैसे ये खत्म ही नहीं होता, बिकॉज ये समथिंग अबाउट 2212 kilometers लॉन्ग है। इमेजिन करो एक केव इतना बड़ा, 2212 meters लॉन्ग, इसलिए इसको वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट केव में से एक माना जाता है। बट अंदर जाते ही इसका बहुत ही खूबसूरत व्यूज भी है एंड दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग केव्स इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द फिंगर्स केव, इट इज प्रेजेंट इन द अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ स्टफा इन स्कॉटलैंड। सो स्टफा में प्रेजेंट है, स्कॉटलैंड का जो स्टफा है वो एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है जिसमें ये केव प्रेजेंट है। नाउ यू विल थिंक व्हाई दिस केव इज सो फेमस। आप जब इसको एंटर करें, पहली बात तो मुझे इसका एंट्रेंस बहुत मस्त लगा, सेकेंडली जब आप इसे एंटर करोगे आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। इट इज मोस्टली फेमस बिकॉज ऑफ इट्स वोल्केनिक ओरिजिन एंड फेमस फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव, एक अलग सा एक डिफरेंट हेक्सागोनिक बेसाल्टिक रॉक्स की वजह से। इसका एक हेक्सागोनिक बेसाल्टिक रॉक्स है जो हेक्सागन के टाइप का है, शेप का है, जो इसको अलग करता है दूसरे केव्स में से। आप
आपने आइसी माउंटेन्स के बारे में तो सुना ही होगा, लाइक वाइज हिमालयस, माउंट एवरेस्ट एंड ऑल, बट कभी भी आपने आइसी केव्स के बारे में भी सुन सकते हो, बट कभी भी ऐसा सुना है कि इतना आइस है, इतना ज्यादा, लाइक पिक्चर में देखो, इट इज अ लाइमस्टोन कवर्ड आइस केव इन द लार्ज, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स टाइप एंड इट इज 42 किलोमीटर डीप इन द अर्थ एंड इट वेलकम्स समथिंग अबाउट 2 लाख टूरिस्ट। यस, इस केव के आइस को देखने के लिए समथिंग अबाउट 2 लाख टूरिस्ट एवरी टाइम आते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द आइस इन द केव, डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ये जो आइस है बोला जाता है ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में भी ऐसे ही था, मीन आइस एज की तरफ से आता है। ये बहुत ही ओल्ड है एंड बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज इसका जो ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट्स केव इज आइस, एंड इधर इतना आइस है बट ह्यूमिडिटी भी देखो 90-99% है इधर ह्यूमिडिटी। यस, यहाँ पर डिग्री मीन्स सेल्सियस तो है, मीन्स आप जा सकते हो उधर, बट ह्यूमिडिटी बहुत है उधर। यस, इधर बहुत ह्यूमिडिटी है। सो ये था होल वीडियो अबाउट द अमेजिंग अम्यूजिंग केव्स इन द वर्ल्ड। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स बाय। Meet you in the next video. Bye.